हाय फ्रेंड, नमस्ते फ्रेंड। आज हम बनाने जा रहे हैं मिल्क कस्टर्ड और फ्रूट कस्टर्ड। सो फ्रेंड, मैंने यहाँ पे लिया है कस्टर्ड पाउडर। सो फ्रेंड, मैंने 1 लीटर दूध लिया है, इसे मैं गर्म करती हूँ गैस पे। देखिए फ्रेंड, ये गर्म हो रहा है। सो फ्रेंड, अब इसमें मैं डालूँगी 1 स्पून शुगर। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, तो मैंने यहाँ पर 1 स्पून डाला है। तो फ्रेंड, हमने दे लिया है ये कस्टर्ड पाउडर 2 स्पून और इसमें हम 1 कप ठंडा दूध लेंगे। दूध हमारा ठंडा ही रहेगा। इसमें अच्छे से इसका घोल बनाएंगे, इसमें कोई भी लम्स ना रहे, इसीलिए हम इसको अच्छे से चलाएंगे। सो फ्रेंड, देखिए इसको ऐसे चलाते चले इसका घोल तैयार करेंगे। ये देखिए कितना परफेक्ट हमारा घोल तैयार हो गया है। सो फ्रेंड, हमारा दूध भी गर्म हो गया है, तो मैं एक हाथ से चला रही हूँ, एक हाथ से अपना कस्टर्ड डाल रही हूँ। इसको ऐसे चलाते रहेंगे क्योंकि बहुत जल्दी जम जाती है, गाढ़ा हो जाती है, इसलिए हम इसको बहुत थोड़ा 2 स्पून लिए हैं। इसे चलाते चलाते बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है, इसे ऐसे 2-3 उबाल हम लाएँगे इसे। सो फ्रेंड, बस आप एक चीज़ का ध्यान रखिए, इसको छोड़िएगा नहीं, इसको चलाते ही रहिएगा। ये बनकर बहुत जल्दी रेडी हो जाती है और खाने में टेस्टी बहुत अच्छी है, टेस्ट काफ़ी अच्छा लगता है इसका। बच्चों को तो बहुत ये हेल्दी है, बच्चों को आप ज़रूर गर्मियों में बना के खिलाएं। सो फ्रेंड, हमारा ये ठंडा करने के लिए इसे हम रख देते हैं नीचे, इसे हम चलाते रहेंगे। देखिए कितने अच्छी इसका बनकर रेडी है, इसे हम ठंडा होने देते हैं। सो फ्रेंड, मैंने लिया है ग्रेप्स, एप्पल, बनाना, ऑरेंज, आप कोई भी फ्रूट ले सकते हैं। सो फ्रेंड, मैंने इसे बारीक कट कर लिया है और हमारा ये कस्टर्ड ठंडा हो चुका है, तो इसमें अब हम सारे फ्रूट को डालेंगे। देखिए फ्रेंड, कितना आपको दिख रहा है, कितनी अच्छी लग रही है देखने में, कितना जल्दी बन गया। सिर्फ बस इसको ठंडा होने में ही समय लगता है, बाकी सो फ्रेंड, ये देखने में खाने में बहुत अच्छा है। चलिए हम इसे सर्व करते हैं। मैंने लिया है 2 कटोरी, इसमें हम डालेंगे कस्टर्ड, फ्रूट कस्टर्ड। तो देखिए इसी तरीके से आप बना सकते हैं। ये बहुत जल्दी बनकर रेडी हुई, कितनी सुंदर कलर लग रही फ्रेंड। बाय।